दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग जिंदगी की रेस में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो उनकी जिंदगी में कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है, और वो जीज भी चीज में हाथ डालते हैं। उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिलती है। तो क्या आप भी एक ऐसी टेक्निक सीखने में इंटरेस्टेड हैं जिसकी मदद से आप अपनी सारे विशेष मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में 360 डिग्री का चेंज ला सकते हैं, और वो भी पलक झपकते ही? जी हाँ, आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में डिटेल में जाएंगे जिसके दौरान आप अपनी सारे विशेष पूरी कर सकते हैं, वो भी बिना बहुत एफर्ट किए। इस टेक्निक का नाम है 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक। 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक को समझकर अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। 17 सेकंड्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक जॉब की हर विश को पूरा करेगी। आज का इंसान एक ऐसी जिंदगी जीने का आदी हो गया है जहां पर उसके बस विश करने मात्र से उसे चीजें चाहिए होती हैं। लोग इतनी इंप्रेशन हो गए हैं कि उनके पास आराम से बैठकर खुद की लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करने का भी टाइम नहीं है, पर एक्चुअल में उनके पास टाइम होता है। बात इतनी सी है कि उन्हें ये काम बहुत बेकार लगता है और वो बस उन कामों पर अपना ध्यान देना चाहते हैं जिस पर उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट मिल सके। शायद इसीलिए 2 मिनट मैगी नूडल्स और बर्गर पिज्जा हमें काफी अच्छे लगने लगे हैं। पर हमारा ये मानना है कितना भी बिजी क्या होना, आप खुद के अंदर झांक कर ही ना देख पाए। एक वैसी ही बात है कि आप अपनी गाड़ी चलाने में इतनी बिजी हैं, क्या आप उसमें फ्यूल तक नहीं डलवा पा रहे हैं? नतीजा ये होगा कि एक दिन आपकी गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाएगी और फिर आपके बहुत से काम धरे के धरे रह जाएंगे। हम मानते हैं कि आज के इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में फास्ट होना जरूरी है, पर इतना भी फास्ट क्या होना कि आप अपने आसपास की खूबसूरती को अप्रिशिएट तक न कर पाएंगे। यहाँ पर 17 सेकंड आपकी मदद के लिए आई है ताकि आपकी स्पीड भी कम ना हो और आप अपनी जिंदगी को भी मन मुताबिक संवार सके, जैसा कि इस टेक्निक के नाम में ही है, 17 सेकंड्स। तो यहाँ पर आप जो भी मैनिफेस्ट करने की इच्छा रखते हैं वो सिर्फ आपके 17 सेकंड के एफर्ट के कारण होगा। हम देख पा रहे हैं क्या आप में से कुछ लोग जो इस मॉडर्न जिंदगी के रंग में रंग चुके हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं कि फाइनली कोई ऐसी भी टेक्निक है जो उन्हें कम समय में एक शॉर्टकट की तरह अपनी विशेष पूरी करने में मदद कर सकती है। खैर, मुद्दे की बात यह है कि यहाँ भले ही सिर्फ 17 सेकंड का एफर्ट लगेगा, पर हमारा विश्वास करें कि ये 17 सेकंड्स आपके लिए इतनी आसान भी नहीं होने वाले, क्योंकि इस इंस्टेंट प्लेसेंजर वाली जिंदगी में आखिर समय किसके पास है। इस 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक में आप अपनी किसी भी विश को 17 सेकंड के लिए कंटिन्यूअस अपने फोकस में रखते हैं और फिर आप इसी विश को 17 सेकंड माइंड में होल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो IAS टेक्निक को और भी डिटेल में समझते हैं। आखिर ये 17 नंबर ही क्यों? आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर 17 सेकंड में 17 ही क्यों इंपॉर्टेंट है। 17 में 2 कोर नंबर होते हैं, 1 और 7 IMN कोर नंबर के बारे में। डिटेल में जानते हैं नंबर वेन। ये नंबर आपके आने वाली सफलता की ओर संकेत देता है। जब नंबर आपके सामने आए तो इसका बस ये मतलब है कि सक्सेस नजदीक है और आप कहीं इंतजार कर रही हैं। ये किसी नए करियर अपॉर्चुनिटी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश हो सकती है, या फिर लाइक एक नई डायमेंशन में आपके बढ़ते कदम की सराहना हो सकती है। बस आपको अपनी जीत के प्रति कमिटेड और कॉन्फिडेंट होना है और मजबूती से आगे बढ़ते रहना है। नंबर 7, हम सब किसी न किसी रेस का हिस्सा बन ही जाते हैं। करियर रेस या पैसों की रेस हो सकती है। नंबर 7 आपको ये बताता है कि आप कुछ टाइम खुद के लिए निकालें और लाइफ के अलग अलग स्पेस के बारे में सोचें। ये आपको अपनी जिंदगी जीने के लिए बनाता है और आगे के बारे में सोचने पर ध्यान डलवाता है। तो आपने देखा कि दोनों कोर्ट नंबर्स आपको अपनी जिंदगी के अगले स्टेप पर लाने के लिए मोटिवेट करने आए हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल की तरफ ले जा सके। इसी कारण नंबर 17, जिसमें कोर नंबर्स 1 और 7 है, आपको अपनी लाइफ के उन पहलुओं पर फोकस करने में मदद करते हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। अब जब हमने नंबर 17 के बारे में जान लिया है, तो आइए हम आगे के प्रोसेसर को भी डिटेल में जान लेते हैं। अपने थॉट्स को 17 सेकंड तक अपने साथ रखना। हमें पूरा विश्वास है कि आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जादू देखा होगा। किसी भी जादू की स्पेशलिटी ये होती है कि वो पलक झपकते ही हो जाता है और आपको हैरान कर देता है। इस टेक्निक में भी आपको जादू जैसा अनुभव करेंगे। आप अपनी जो भी विशेष मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपकी लाइफ के सिर्फ 17 सेकंड देने से पूरा हो जाएगा। इस टेक्निक में आपको किसी भी पॉजिटिव थॉट को 17 सेकंड तक अपने दिमाग में होल्ड करना है। अगर आप किसी भी पॉजिटिव थॉट या विश को अपने माइंड में 17 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, तो आप इस यूनिवर्स की उस क्रिएटिव वाइब्रेशन से जुड़ जाएंगे और फिर वो सीक्रेट की आपको मिल जाएगी जो आपके सारे बंद दरवाजे खोल देगी।
17 सेकंड में आपके वो डिजायर एक्टिवेट हो जाएंगे और उनमें एनर्जी का फ्लो होने लगेगा, और जहां एनर्जी का फ्लो हो जाता है वहां काम होने लगता है, और इस केस में आपके वो डिजायर्स पूरे होने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। आप इस टेक्निक को ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या आप किसी कार में बैठे हैं और आपको अपनी मंजिल की तरफ जाना है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उस गाड़ी को एक्टिवेट कर देते हैं जो आपको अपनी मंजिल की तरफ लेकर जाएगी। अब जब आपने अपनी कार की डिजायर को एक्टिवेट कर लिया है तो आपको इस कार को स्पीड देनी है। स्पीड के लिए आपको इस 17 सेकंड को साइकिल में रिपीट करना है, जैसे कि आप दो साइकिल्स मतलब 34 सेकंड के लिए उस पॉजिटिव थॉट को होल्ड कर सकते हैं, और फिर जब आप इन दो साइकिल्स को करने में खुद को कंफर्टेबल महसूस करने लगे हैं तो आप इस साइकिल को बढ़ा भी सकते हैं, जिससे 3 साइकिल, 4 साइकिल या फिर 5 साइकिल शबाब पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी देर तक अपने विशेष या थॉट को बिना इंटरप्ट हुए होल्ड कर सकते हैं। आप इन साइकिल को इस तरह भी देख सकते हैं, जैसे ही आपने पहले 17 सेकंड की साइकिल में अपने विशेष को एक्टिवेट किया तो अब आप एक दूसरे 17 सेकंड के साइकिल के साथ उनको स्पीड दे रहे हैं, जैसे कि आप किसी कार या बाइक के गियर चेंज करके उस एक्सेलरेट करते हैं। ठीक वैसे ही आप यहां अपने उन थॉट्स को इन साइकिल के माध्यम से और तेज स्पीड दे रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी आपके जीवन में अंकुरित हो सके। अब जब आपने 17 सेकंड की साइकिल को समझ लिया है तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप इस टेक्निक को देख लेते हैं। इस टेक्निक को एक्टिवेट करना, इस यूनिवर्स ने हमेशा आपका साथ दिया है और आपके वाइब्रेशन को मैच किया है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग किसी भी पूरी सिचुएशन में अपने अंदर एक पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखते हैं, वो इस यूनिवर्स की असीम शक्ति से जुड़े रहते हैं, और वो लोग उन सिचुएशन में भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने में सफल होते हैं। आपने अक्सर यह ऑब्जर्व किया होगा कि जो लोग हमेशा हंसते हैं और मुस्कुराते रहते हैं वो अपने हिस्से के स्ट्रगल को आसानी से जीत लेते हैं। हर एक की जिंदगी में स्ट्रगल है, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये स्ट्रगल्स हमारे साथ हमेशा रहेंगे। ठीक हमारे साई जैसे, ये पूरा आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हैं। आप अपने आसपास की निराशा भरी दुनिया का निर्माण करते हैं और रोते बिलखते हैं, या फिर आप उन सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं और उन पर और खुद पर काम करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो आइए जिंदगी को चुनते हैं। हम इस बेनिफिशिएशन टेक्निक के साथ खुद के अंदर उस खोई हुई और छुपी हुई पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो शुरू करते हैं और इस यूनिवर्स से जुड़कर अपने विशेष को मैनिफेस्ट करने के लिए कमिटेड हो जाते हैं। इस टेक्निक के कुछ आसान से स्टेप्स हैं, आइए हमें एक एक करके अच्छे से समझते हैं। हम सबकी जिंदगी में आए दिन कुछ ना कुछ अनअपलन घटित होता रहता है, कभी कोई अर्जेंसी तो कभी कोई इमरजेंसी, कभी कोई नया काम हमारे आगे आकर खड़ा हो जाता है तो कभी कोई पुराना काम बिगड़ जाता है। हम सब एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, और मोस्टली ए डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड है, जहां हमारे सामने बहुत काम और टाइम लिमिटेड होता है। तो इस अफरा तफरी को दूर करना हमारे लिए सबसे जरूरी है, नहीं तो हम अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे और उस असीम शक्ति से जुड़ नहीं पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आसपास एक ऐसी सराउंडिंग बनानी होगी जहां किसी भी टेंशन के लिए जगह ना हो, जहां आप खुद को अच्छा और खुशनुमा महसूस करें। इससे आपके आसपास एक खुशी की फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी जो आपको इस यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होने में काफी मदद करेगी। इसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक शांत जगह चुननी होगी, और फिर आंखें बंद करके आपको अपनी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पलों को याद करना होगा। आप देखिए और महसूस करिए कि आप वो मोमेंट फिर से जी रहे हैं, और देखते ही देखते आप एक ऐसी सराउंडिंग को क्रिएट कर लेंगे जहां चैन की शांति है। इसे एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आप सिर्फ और सिर्फ अब ध्यान का ध्यान करते हैं। अब जब हमने एक अब से एनवायरनमेंट को क्रिएट कर लिया है, तौबा आपको अपनी एक विश को चूज करना है और उस पर 17 सेकंड के लिए ध्यान लगाना है। कोशिश ये करें कि आप शुरुआत में एक छोटा विश करें और उस पर काम करें, और फिर जैसे जैसे आपके विशेष पूरी होती जाए आप बड़े विशेष पर काम करना शुरू कर दें। आपको ध्यान ऐसे लगाना है कि जैसे वो विश पूरी हो चुकी है और आप इस यूनिवर्स को उसके लिए अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ ऐसा कि जैसे किसी ने कोई गेम जीत ली है और अब आप उसके एफर्ट्स को प्रेस कर रहे हैं। शुरू में हो सकता है कि आपको 17 सेकंड तक वो होल्ड करने में थोड़ी परेशानी हो, पर हार नहीं माने और डेली प्रैक्टिस करते रहे। एक बार जब आप 17 सेकंड तक आसानी से फोकस कर लेते हैं तो अब आपको 17 सेकंड के मल्टीपल साइकिल्स में अपने फोकस को केंद्रित करना है। टाइम को ट्रैक करने के लिए आप एक टाइमर का यूज कर सकते हैं जो 17 सेकंड्स का हो। ये टाइमर आपको आसानी से अपने फोन में मिल जाएगा। इस स्टेप पे आपको बस एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपकी जो भी विश हो वो पॉजिटिव हो और किसी के लिए कुछ गलत करने की भावना से इंस्पायर ना हो। ये यूनिवर्स आपकी पॉजिटिव विशेष को सलाम करता है।
और फिर पूरी कायना उस विषय को पूरा करने के लिए आपके लिए एक प्लान तैयार करती है। तो आप एक पॉजिटिव माइंडेड से अपने विश को चूज करें और इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट को खुद से दूर रखें। अब जब आपने उस विश को 17 सेकंड के साइकिल में एक्टिवेट कर लिया है, तो अब आपको बस एक और काम करना है, और वो है कि अब आप अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाए और इस यूनिवर्स को अपना काम करने दें। हो सकता है कि आप उस विश के बारे में बार बार सोचने लगे, पर यहाँ पर आपको अपना ध्यान हटाना है और डे ड्रीमिंग नहीं करते हुए अपने काम पर ध्यान देना है। अब आपको अलर्ट सेट में रहना है ताकि आप इस यूनिवर्स के इशारों को समझ सके। अगर आपको रास्ता नहीं दिख रहा है तो ये आपको दिखाया जाएगा। बस आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और चीजों को वेलकम करना है। हमारी रूस की जिंदगी में 17 सेकंड आई एम इन चारों स्टेप्स को एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। अगर आप ये छोटी सी विश करते हैं कि आज मुझे कोई एक कप कॉफी के लिए इन्वाइट करे, तो आपको ये स्टेप लेने होंगे। आप अपने सारे गमों को बुलाकर ऐसे खुशनुमा एहसासों में डूब जाएं जहां आप अच्छा महसूस करें, ताकि आप एक एम्बिडेंस और एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकें। इस खुशनुमा एहसास में खोए हुए आप 17 सेकंड की साइकिल में अपनी विश का ध्यान करें, वो भी टाइमर के साथ। आप देखिए उस कॉफी के कप को, जॉब के हाथों में है, उसके एरोमा को महसूस करिए, उसकी गर्माहट फील करें और एक एक घुट को एंजॉय करते हुए खुद को विजुअलाइज करें। अब जितना भी क्रिएटिव होना चाहते हैं आप इस बिल में हो सकते हैं। अब जब आपने 17 सेकंड के साइकिल में अपने कॉफी के कप को मैनिफेस्ट करने के लिए इस यूनिवर्स के साथ प्लानिंग कर ली है, तो अब आप अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाइए। आपने जब ये ऊपर के तीनों स्टेप्स को कर लिया है, तो अब आप अपने विश को रिसीव करने के लिए रेडी रहे। हो सकता है क्या आपको आपके फादर के किसी फ्रेंड ने बुलाया हो जिससे आप काफी दिन से टाल रहे थे। हो सकता है कि यही यूनिवर्स का इशारा हो, तो देर ना करें और उनसे जाकर मिले। ये पॉसिबल है कि जब आप वहां पहुंचे तो वहां कोई छोटी गेट टूगेदर पार्टी चल रही हो और आप भी इस पे वहां होने के कारण ऑटोमेटिकली शामिल हो जाए और वो कॉफी का कपाक के सामने हंसते मुस्कुराते आ जाए। हमेशा याद रखें कि जो भी आप इस यूनिवर्स को देते हैं वो आपके पास जरूर आता है। हो सकता है कि जिससे आपने सोचा था उस सेम सोर्स से नहीं, लेकिन ये किसी और सोर्स से आपके पास भेजा जाए। जैसा कि हमने कॉफी को अट्रैक्ट करने वाले एग्जाम्पल में देखा, आपको बहुत इस टेक्निक पर पूरा विश्वास करना है और सारे स्टेप्स लेने हैं। कहते हैं ऑफ हाउटेड एडम से आधे अधूरे ही रिजल्ट मिलते हैं, तो आप अपना 100% दें और इस टेक्निक और यूनिवर्स पर विश्वास रखें और वो विश खुद बुक आपके दरवाजे का पता पूछती हुई, नॉक करती हुई आपके सामने आ खड़ी हो जाएगी। इस टेक्निक को करने का सही टाइम इससे पहले कि हम इस पहलू पर आपसे बात करें, अब खुद ही सवाल का जवाब दें। क्या कोई कभी रात में होता है कि कल सुबह उठकर मैं गुस्सा करूंगा और फिर किसी पर चिल्लाऊंगा? हमारे हिसाब से तो नहीं। शायद इसलिए रात की अच्छी नींद के बाद हम डेली लाइफ में चाहे कितनी भी परेशानी से डील कर रही हूँ, पर हम उठते वक्त काफी अच्छा महसूस करते हैं। सुबह का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिस पल में आपके अंदर एक नई एनर्जी फ्लो होती है और आप एनर्जेटिक फील करते हैं। 17 सेकंड को करने का ये एकदम सही टाइम होगा। कुछ लोग सुबह उठ पाने में काफी स्ट्रगल करते हैं, तो उन लोगों को ये सलाह दी जाती है कि आप इस टेक्निक को रात में सोते वक्त कर सकते हैं, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर रात भर काम कर सके। आप इसे दोनों वक्त भी कर सकते हैं और ये कभी ना सोचे कि ये कितने दिन करना होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये सिर्फ एक काम होगा और ये कभी अट्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती, इसको करते रहे। आपने देखा कि कैसे 17 सेकंड को आप अपनी लाइफ में आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं और छोटे विशेष से बड़ी विशेष तक सब पूरी कर सकते हैं। एक कप कॉफी से एक अच्छा लाइफ पार्टनर और फिर एक ड्रीम जॉब और फिर कुछ बिग अचीवमेंट इन बिजनेस, आप ही के करके सब कुछ पा सकते हैं। बस आपको अपने फोकस पर काम करते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आपको एक ऐसी टेक्निक मिल गई है जिसके साथ आप अपने सारे विशेष को पूरी कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 17 सेकंड में ही। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।